नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल दो क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए है। किस कक्षा के लिए? कक्षा दसवीं, विषय गणित। इसका प्रश्न नंबर एक है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न क्या है आपका? सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका नंबर एक क्या दिया है? ये प्रश्न आपका पेपर में पूछा गया प्रश्न है। और ये प्रश्न क्या है देखिए, आपका बोर्ड में यहाँ दिख रहा है आपको, 96 एवं 404 का SCF होगा। आपको यहाँ से बताना है, यहाँ चार ऑप्शन दिए, चार ऑप्शन में से इसका सही SCF क्या होगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का 4। अब इस 4 का भाग आप 96 में दीजिए और 404 में दी, भाग दोनों में चले जाता है तो वह उसका SCF होता है। यदि आपको वैसे नहीं बन रहा है तो आप इसको इस प्रकार से भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, 404 भागित 96। 96 का भाग दीजिए, जब तक भाग दीजिए जब तक शेषफल क्या नहीं आता आपका, शून्य नहीं आता, तब तक आपको क्या करना है, भाग देना है। तो 9 चौके 36, 4 बार जाएगा इसका भाग। 4 का गुणा 96 में की हमने, 4 5 24 की 4 हासिल की, 2 4 9 36 36 37 38, कितने बार गया? 38 बार गया। अब इसको घटा दीजिए 4 में से, 4 घटाए 0, यहाँ बचा कितना? कुछ नहीं, 0 में से 8 नहीं घटेगा, 4 उधार लगे, 10 में से 8 गए 20। अब ये 20 में भाग दीजिए किसका? इसका जो भागफल 4 आया है, 4 का भाग दिए, 4 5 20, कितने बार गया? 5 बार गया। अब शेषफल कितना आ गया? 0। किसका भाग दिया हमने? 4 का भाग, इस संख्या का भाग दिया हमने, तो भागफल शेषफल क्या आ गया? 0 आया, इसलिए इसका महत्व समापवर्त क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इस प्रकार आपको पहला प्रश्न कंप्लीट। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है ध्यान दीजिए। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 32 तथा LCM 8 है तब उनका SCF होगा। तो आपको SCF बताना है, तो यहाँ पे इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है LCM गुणित SCF बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। देखिए इसका LCM कितना है? 8। SCF नहीं मालूम हमें, SCF लिख दिया हमने ये। अब पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना है? 32। तो इसका SCF क्या हो जाएगा? अब ये 8 का हम क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे तो कायम चल जाएगा भाग में, क्योंकि बीच में गुणा का चिन्ह है। तो 32 भागित क्या हो गया? 8। 8 का भाग 32 में दी, कितने बार गया? 4 बार। तो SCF कितना आ जाएगा इसका? SCF 4 आ गया। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? 4। ए नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ये पूरे क्वेश्चन आपके पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लिख के रख लीजिए। यहाँ से आपके 20 प्रश्न बताएंगे, 20 प्रश्न में से आपके 15 अंक निश्चित हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा है? यदि द्विघात समीकरण ax वर्ग धन bx धन c के शून्य अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा धन बीटा का मान होता है। आपको किसका मान बताना? अल्फा धन बीटा यानी शून्यकों का योगफल, इन्हें मूलों का योगफल भी कहा जाता है। तो शून्यकों का योगफल का सूत्र जो होता है वो क्या होता है? ऋण b बटे a। अल्फा धन बीटा का फार्मूला क्या होता है? अल्फा धन बीटा शून्यकों का योगफल बराबर ऋण b बटे, या इसमें आपको दूसरा ये भी पूछ सकता है, अल्फा इंटू बीटा मूल्य शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? सी बटे। ये दोनों सूत्र आपके पेपर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक आपका निश्चित ही समझिए कि दोनों में से एक आपके पेपर में आना ही है, तो इसलिए इसको अच्छे से तैयार करके जाएंगे आप। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसी प्रकार बनाए, द्विघात समीकरण ax वर्ग धन bx धन c के शून्य अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो अभी बता दिए थे हमने अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, तो इसका ए नंबर का आंसर सही होगा, सी बटे ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5। बहुपद एक्स वर्ग ऋण 3 के शून्यक हैं। आपका बहुपद क्या है? ये एक्स वर्ग ऋण 3, इसके शून्यक ज्ञात करना, तो इसके बराबर आप क्या ले लीजिए? 0 ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स वर्ग बराबर ऋण 3 का पक्षांतर किए तो क्या हो गया? क्या हो जाएगा? ये धन 3 हो जाएगा। या एक्स बराबर क्या होगा? यहाँ से वर्ग हटेगा, यहाँ से वर्ग हटा, इसमें क्या लग जाएगा? वर्गमूल। यहाँ क्या लग गया? वर्गमूल लग गया, वर्गमूल 3 हो गया ये, और यहाँ पे काय का चिन्ह आ जाएंगे? धन ऋण के। तो इस प्रकार से इसके शून्य क्या हो जाएंगे हमारे? धन ऋण करनी 3। तो इसका सही आंसर ए नंबर का आंसर सही होगा, इस एक्स का मान क्या हो गया? धन ऋण करनी 3। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपको? क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स स्क्वायर माइनस 49 के शून्य, किसके शून्य कह रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 49 के शून्य, इसके शून्य कैसे निकालेंगे? आप इसके शून्य निकाल लेते हैं। देखिए इसको हम दो बार लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7 का वर्ग। अब इसको एक बार हम एक्स धन 7 और एक बार क्या ले लेंगे? एक्स ऋण 7, और शून्य का है तो इसके बराबर हम शून्य लेके चल लेंगे, बराबर शून्य। तो अब क्या हो जाएगा? एक बार हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक्स धन 7 बराबर शून्य, तो एक्स बराबर क्या हो गया? धन 7 का पक्षांतर किए तो ऋण 7, फिर एक्स ऋण 7 बराबर शून्य, तो एक्स बराबर क्या होगा? धन 7। तो क्या हो गया? ऋण 7 और धन 7, तो इसके शून्य क्या हो जाएंगे? 7
और ऋण 7, तो इसका ए नंबर का आंसर सही होगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न को हल कर देंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। ये प्रश्न तीन प्रकार से रहेगा आपको, ये तीनों प्रकार में से एक प्रश्न आपको निश्चित है। समीकरण निकाय में प्रश्न क्या कह रहा है, समीकरण निकाय में ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे, यहाँ ए वन बटे ए टू है, इसको बी वन बी ये ए टू पढ़ेंगे, ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर सी वन बटे सी टू हो तो हमें, यदि ये वाला है देखो तीनों क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ से तीन सूत्र बनेंगे आपके, आपका व्यापक समीकरण क्या होता है ए वन एक्स धन बी वन वाई धन सी वन बराबर शून्य, फिर ए टू एक्स धन बी टू वाई धन सी टू बराबर शून्य, ये व्यापक समीकरण हो गया। इसके तीन सूत्र होते हैं, यदि ए वन बटे ए टू बराबर नहीं बी वन बटे बी टू बराबर सी वन बटे सी टू, तब कौन सा सूत्र आ जाएगा, एक अद्वितीय हल, क्या होगा एक अद्वितीय हल होगा। अब इसके बाद यदि ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर नहीं सी वन बटे सी टू है, इसका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। और इसके बाद आपका यदि तीनों बराबर आ जाता है ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर सी वन बटे सी टू, तीनों बराबर हैं तो इसके अनंतः अनेक हल होंगे। अब हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे क्या ध्यान दीजिए, आप इसको हमने पहले ही बता दिया, इसको क्या पढ़ेंगे ए टू, इसको क्या पढ़ना है आपको ए टू। अब यहाँ पे आपका ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर सी वन बटे सी टू, तो ये तीनों एक दूसरे कैसे बराबर हैं, इसके लिए इसका हल क्या होगा अनंतः अनेक हल, ठीक है। अद्वितीय हल के लिए अभी बता दी, अद्वितीय हल के लिए क्या होता है ए वन बटे ए टू बराबर नहीं बी वन बटे बी टू, कोई हल नहीं के लिए ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर नहीं सी वन बटे सी टू, और अद्वितीय हल के लिए तीनों कैसे होंगे ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर सी वन बटे सी टू, और ये तीनों में से एक सूत्र आपको पेपर में आना है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 7 के साथ आपका प्रश्न नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। देखिए ए वन बटे ए टू यहाँ पे आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं, यहाँ ए वन बटे बी टू लिखा है, इसको क्या पढ़ेंगे आप ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर नहीं सी वन बटे सी टू हो तो हमें क्या प्राप्त होगा। अब यहाँ पे ये बराबर नहीं तो यहाँ कोई हल नहीं आ जाएगा, इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा, कोई हल नहीं, बी नंबर का आंसर आएगा। फिर इसके बाद इसी का तीसरा देखिए, निम्नलिखित समीकरण में से यहाँ पे आपको इसको सभी प्रश्नों में ये बी टू लिखा है, इसको क्या पढ़ना है ए टू, तो ए वन बटे ए टू बराबर नहीं बी वन बटे बी टू बराबर सी वन बटे सी टू, तो इसमें क्या हो जाएगा एक अद्वितीय हल होगा, तो अद्वितीय हल आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ तीन प्रश्न कंप्लीट हुए। और इसके अलावा आपको यदि बनाता है तो ये प्रश्न, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेद करती हैं तो कौन सा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। यदि रेखाएं समानांतर हैं तो कोई हल नहीं होगा, और रेखाएं एक के ऊपर एक हैं तो इसके क्या होंगे, अनंतः अनेक हल होंगे। तो ये विकल्प खालिस्तान में पूछ सकता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में क्या कहा है, 2x धन 4y ऋण 12 बराबर शून्य में क्या है, रेखिक समीकरण 2x धन 4y ऋण 12 बराबर शून्य में, यदि x बराबर 2 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत सरल है, देखते हैं इसको हल करके, आपको हल करके देखना पड़ेगा क्या है हमारा 2x धन 4y ऋण 12 बराबर शून्य, यहाँ पे x का मान क्या दिया 2, तो ये x का मान हमने क्या रख दिए 2 रख दिए, धन 4y ऋण 12 बराबर शून्य, दो दूनी 4, धन 4y ऋण 12 बराबर शून्य, 4 में से 12 घटाए कितना आ जाएगा, तो ये 4y तो जैसा कि वैसा, ये 4 में से ऋण 12 घटाए तो ऋण 8 बराबर शून्य, तो 4y बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 8 का पक्षांतर किए तो धन 8, तो y बराबर क्या होगा 8 भागे 4, 4 दूनी 8, तो y का मान कितना आ जाएगा 2, तो आपका आंसर में क्या जाएगा ए नंबर का आंसर सही होगा, y का मान 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। द्विघात समीकरण मूलों की अधिकतम संख्या होती है, द्विघात समीकरण में मूलों की अधिकतम संख्या जितनी घाती संख्या होगी उतना ही इसका आंसर होगा। द्विघात समीकरण मूलों की अधिकतम संख्या क्या होगी 2, या द्विघात क्या है आपका शून्यक जो होते हैं, द्विघात शून्यक में द्विघात बहुपद, यहाँ पर समीकरण का है द्विघात बहुपद शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी 2 ही होगी। तो इस प्रकार से क्योंकि द्विघात यानी कि जिसकी घात 2 हो वो द्विघात समीकरण कहलाता है, उसमें मूल कितने आते हैं आपके 2 आते हैं, तो मूलों की संख्या अधिकतम संख्या क्या होगी 2 होगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया, एपी समानांतर श्रेणी दिया हमारी 10 7 4 का दसवां पद, अब दसवां पद ज्ञात करना तो आपको कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा, ए एन बराबर ए धन कोष्टक में एन ऋण 1 गुणित डी। अब हमें ए की मान क्या होगा, ए का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 10, और डी का मान क्या हो जाएगा, एन का मान भी ये क्या दिया है 10 दिया है, एन का मान दसवां पद कह रहा है, और डी का मान क्या हो जाएगा,
तो जो सेकंड पद है 7 में से 10 घटाया तो कितना आ जाएगा ऋण 3। अब इसे मान रख देते हैं, ए का मान कितना है, प्रथम पद 10 धन एन है 10वां पद तो 10 है, ऋण 1, डी की वैल्यू कितनी है ऋण 3। अब इसको हल करेंगे, 10 धन 10 में से 1 घटाए 9 गुणित ऋण 3, 10 धन, या सीधे यहाँ पे आप ऋण ला सकते हैं, यहाँ पे क्या ला सकते हैं आप, इसमें ऋण भी ला सकते हैं डायरेक्ट, इसको हटा देते हैं हम, चलो ये हटा दिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये धन का ऋण में गुणा की तो क्या हो गया ऋण, और 9 3 27, और 10 में 27 घटाए तो ऋण 17, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ ऋण का चिन्ह है, तो इसका सही आंसर डी नंबर का हो जाएगा, ऋण 17। इस प्रकार से आपको हल करके देखना पड़ेगा तभी आप आंसर सही बता पाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण एक्स वर्ग क्या दिया हुआ है यहाँ पे आपका, द्विघात समीकरण एक्स वर्ग ऋण 4x + 4 = 0 के व्युत्पत्तिकर का मान होगा। तो आपको व्युत्पत्तिकर का सूत्र याद होना चाहिए, और ये व्युत्पत्तिकर का सूत्र आपको पेपर में पूछ सकता है, व्युत्पत्तिकर का सूत्र, व्युत्पत्तिकर को कैसे दर्शाते हैं, डी से। तो डी बराबर क्या होता है, बी वर्ग ऋण 4ac। अब यहाँ पे जो ये एक्स की जो ए का मान होगा यहाँ पे, ये बी का मान, और ये किसका हो गया, सी का मान। तो हमारा बी का मान क्या है, ऋण 4, तो यहाँ पे बी का मान क्या रख दिए, ऋण 4 का वर्ग ऋण 4। ए का मान कुछ, एक्स वर्ग का गुणांक क्या है 1, और सी का मान 4, ऋण 4 का वर्ग 16, ऋण 4 चौके 16, 16 में 16 घटाया तो क्या आ गया 0, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा 0। तो आपको व्युत्पत्तिकर ज्ञात करने के लिए भी आ सकता है 2 अंक का, तो इस प्रकार से व्युत्पत्तिकर ज्ञात कीजिए, इसका सूत्र भी आ सकता है व्युत्पत्तिकर का। तो डी बराबर 0, जब डी बराबर 0 है यानी व्युत्पत्तिकर की वैल्यू क्या है 0 है, तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, बराबर होंगे यहाँ पे। यदि डी छोटा है 0 से तो मूल क्या होंगे, अवास्तविक होंगे, और डी बड़ा है 0 से तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। तो इस प्रकार से आप इसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं। इसके बाद 14 नंबर का प्रश्न देखिए, मूल बिंदु के निर्देशांक हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, इसका डी नंबर का आंसर सही होगा 0 0। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15, वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएँ खींची जा सकती हैं, वृत्त के किसी बिंदु पर, देखिए ये आपका क्या बन गया एक वृत्त, और इस बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएँ खींची जा सकती हैं, एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं हम, वृत्त के किसी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, लेकिन यदि कहता है कि बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है तो अनंत हो सकती हैं। तो यहाँ पे क्या है, वृत्त के किसी बिंदु पर वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए, एक, ए नंबर का आंसर सही है। वृत्त के बाह्य, अगला प्रश्न है वृत्त के, ये वृत्त हो गया आपका, इसके बाह्य बिंदु, ये बाह्य बिंदु से किसी बिंदु, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो ये देखिए ये स्पर्श रेखा हो गई और दूसरी स्पर्श रेखा, तो 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो उसका सही आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट है, किसी बाह्य, यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा कैसी होती हैं, देखिए ये वृत्त हो गया, किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींची गई तो कैसी होती हैं, ये समान होती हैं, बराबर होती हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर का, समान। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, वृत्त के वक्र पृष्ठ का सूत्र है, वो सॉरी वृत्त कह रहे हैं हम, ये है आपका बेलन, बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र है, इसको इंग्लिश में कहेंगे सिलेंडर, सिलेंडर का सरफेस एरिया, तो फार्मूला क्या होता है 2πr, बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या हो गया 2πr, उसके बाद बेलन के संपूर्ण पृष्ठ पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा 2πr कोष्ठक में r धन h, और बेलन के आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा πr वर्ग h। तो जो हमें यहाँ पूछा है वक्र पृष्ठ पूछा है, तो इसका सी नंबर का आंसर सही होगा, यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल का पूछ लेता तो इसका बी नंबर का आंसर सही होता, और यदि बेलन का आयतन पूछता तो इसका ए नंबर का आंसर सही होता। और जो 1/3 πr² दिया है, ये शंकु के आयतन का सूत्र है, यदि हम बेलन के आयतन में 1/3 उसके आगे 1/3 लिख देते हैं तो किसका आयतन का सूत्र बन जाएगा, शंकु के आयतन का सूत्र बन जाएगा। तो इस प्रकार से तीनों चारों सूत्र आपके लिए यहाँ से एक क्वेश्चन पेपर में आना है। इसके बाद शंकु के आधार का क्षेत्रफल, अब शंकु जो है हमारा शंकु कैसा बनता है, ये हमने क्या बनाया, शंकु बनाया, और इसका शंकु का आधार कैसा है, वृत्ताकार है, तो आधार के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, आधार है वृत्ताकार, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र, और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर वर्ग, तो इसका सी नंबर का आंसर सही होगा, शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है तो उसका उत्तर हो जाएगा पाई आर वर्ग। इस प्रकार आपको 19 नंबर का प्रश्न कंप्लीट होता है। इसके बाद अंतिम प्रश्न है आपका 20 नंबर का, शंकु के आयतन का सूत्र, शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, अभी बताया था आपको, ये सूत्र पहले हम लिख दी पाई आर वर्ग एच, किसका आयतन हो गया, बेलन के आयतन, और इसके आगे यदि हम 1/3 लगा देते हैं तो किसका आयतन बन जाएगा, शंकु का आयतन, तो इसका सी नंबर का आंसर सही होगा। अब शंकु का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, ये भी पूछ सकता है आपको, तो पाई आर एल, शंकु के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या हो गया पाई आर एल, यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र कहता है तो पाई आर कोष्ठक में आर धन एल, इस प्रकार से ये सूत्र हो जाते हैं। अब यहाँ पे 4/3 πr² πr² ये सूत्र सब हमने अलग से बना के बताया, लेकिन सभी सूत्र हैं बच्चों। इस प्रकार हमने आपको यहाँ पे 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताए हैं, और ये 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न में से एक वस्तु आपका यहाँ से कम भी 10 अंक से लेके 15 अंक के बीच के प्रश्न पूछे जाएंगे पेपर में।
तो आप इसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिए, आपका पेपर जो है अच्छे से जाए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। यदि आपको हमारे द्वारा जो प्रश्न बताए जा रहे हैं यदि अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लास से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर कीजिए। और हमने इसी प्रकार के कुछ वीडियो गणित के हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण।